जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलावा ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दो बातें आपने बिल्कुल सुनी होगी, धर्मी और अधर्मी। बहुत सारे लोगों को ये बताया गया है कि अधर्मी यानी जिसका धर्म कोई नहीं है वो धर्म को नहीं मानता, ऐसे लोग, और धर्मी यानी जो धर्म को मानते हैं वो लोग। क्या ऐसे दो लोग होते हैं? या हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अधर्मी लोग जो समझे जाने वाले लोग वो आदिवासी है, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता, सृष्टि उनका धर्म है। फिर हम चलते हैं अधर्मी अधर्मी से जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ये दो बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल क्या है, और अगर आप ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है और हम समझ क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो एसी भारत सरकार परिवार से संबंधित है। जो लोग अपने नाम के सामने एसी लगाते हैं वो लोग अपने जो एविडेंस है वो खुद जान चुके हैं, वो मान चुके हैं कि भारत सरकार यानी आदिवासी कुटुंब जो है वो आज भी कार्यरत है। तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में दो तरह के आपको मैं प्रकार बताऊँगा, जो प्रकार मैंने आज तक जो स्टडी किया है। तो दोस्तों, अगर संविधानिक इसको शब्दिक या केंद्र सरकार का इनको शब्द बोला जाए तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में न्यायिक और गैर न्यायिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एसी सरकार कुटुंब परिवार के जो लोग हैं जो हमें एविडेंस बताते हैं, वो एविडेंस ये है कि वो स्टैम्प पेपर बताते हैं। स्टैम्प पेपर पे सीधा सीधा नॉन जुडिशियल इंडिया ऐसा कहा जाता है, उसका हिंदी में अनुवाद किया है गैर न्यायिक, यानी न्यायिक और गैर न्यायिक। दोस्तों मैं बता दूं कि स्टैम्प पेपर के बारे में अगर हम जानकारी ले तो स्टैम्प पेपर 14 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 प्रकार के होते हैं। आप किस काम में उसको लाते हो ये स्टैम्प पेपर पे डिपेंड है। जैसे कि न्यायिक जो स्टैम्प पेपर आते हैं, जुडिशियल जो स्टैम्प पेपर आते हैं, वो स्टैम्प पेपर आपको कोर्ट के मामले में, अगर कोर्ट की कोई फीस भरनी हो, कोई आपको दावा किसी पे करना हो और कोई पैसा रह जाएगा तो उसके लिए स्टैम्प पेपर किया जाता है, वो स्टैम्प पेपर जुडिशियल करके यूज़ किया जाता है। और नॉन जुडिशियल जो स्टैम्प पेपर होता है वो पावर ऑफ अटर्नी या और कोई काम के लिए वो स्टैम्प पेपर यूज़ किया जाता है। इसी भारत सरकार परिवार के जो लोग होते हैं वो स्टैम्प पेपर का दाखिला देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता और वो घबरा जाते हैं। घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम सीधा सीधा गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे आदिवासी वहीं पे दम तोड़ देते हैं कि कहते हैं कि भाई ये तो कुछ अलग मामला है और ये इतना बड़ा मामला है कि यहाँ एसी भारत सरकार परिवार कुटुंब वाले जो लोग हैं वो डायरेक्ट केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं, और हम ये देख के डर जाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। और इसलिए दोस्तों मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं अभी ये दो तीन दिन से कि मैं आपको यही कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के नियम में जो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल का जो अर्थ है वो आपने सुना। अभी मैं एसी भारत सरकार कुटुंब की जो लोग हैं और जिन्होंने इस एविडेंस के तहत सिद्ध कर चुका है कि यह जो इंडिया है, यह इंडिया ना किसी लोगों का है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। और ये जो लोग हैं, ये हमारे आदिवासी लोग जो एसी भारत सरकार कुटुंब से आते हैं, इनका कहना ये भी है कि ये कहते हैं कि जो हम भारतीय नहीं हैं, अब जो बाहर से जो संप्रदाय आया है वो भारतीय है, लेकिन यहाँ का जो रहने वाला मूल निवासी है वो एसी भारत सरकार परिवार है। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल का जो एसी भारत कुटुंब परिवार के जो लोग बताते हैं वो अर्थ मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, जुडिशियल का मैं आपको अर्थ बता दूँ, जुडिशियल यानी मानव निर्मित। अभी ये मानव निर्मित बहुत छोटा सा हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि ये मैं बाइक पे बैठा हूँ, ये बाइक है, बाइक के कुछ रूल है जो लेफ्ट में चलाया जाता है। हम जब बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट होता है, हेलमेट होने के बाद हमारे पास लाइसेंस होता है, हमारी आयु जो है वो 18 के ऊपर होनी चाहिए। ये जो नियम है ये जुडिशियल है, जो इसको मानव ने निर्मित किया है। दोस्तों, मानव निर्मित का अर्थ क्या होता है? मानव निर्मित यानी जो मानव अपने नियम अपने प्रशासन बनाता है। आप अगर जानते हो कि ग्राम पंचायत से राष्ट्रपति भवन तक यानी हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे तो ये जो सिस्टम मानव ने बनाई है खुद के लिए, इसको कहा जाता है जुडिशियल। आप जो भी करो, जो मानव निर्माण करता है, मानव खुद से हाथों से निर्मित करता है, अपने दिमाग से निर्माण करता है, वो सभी जुडिशियल है। और नॉन जुडिशियल यानी मानव निर्मित नहीं करता, जो निसर्ग निर्मित है। अभी आप कहोगे कि फिर आदिवासी भी कहीं ना कहीं अपने नियम खुद बनाया है,
आदिवासी ने एक भी नियम खुद नहीं बनाया। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो की लिस्ट में जाए और पूरे वीडियो चेक करें। आपको यही बताया जाता है कि आदिवासी निसर्ग के नियमों पे क्यों चलता है। मैंने जैसे कि गोंड लोगों को बताया कि वो राइट से लेफ्ट क्यों होते हैं, बाकी लोगों के जैसे आरती पकड़े तो सीधा लेफ्ट से राइट भी घुमा सकते थे, लेकिन राइट से लेफ्ट क्यों होते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आदिवासी इंसान नेचर के हिसाब से फॉलो करता है। मैंने कुछ त्यौहार भी बताए आपको, जैसे कि अभी तो बारिश हो रही है तो बारिश में ही इंसान यहाँ पे साल की नई स्टार्टिंग क्यों करता है, क्योंकि बारिश से ज़मीन में से कुछ पौधा निकल आता है और वो नया जन्म है, यानी नई सिरे से शुरुआत करना है। इसलिए आदिवासियों का जो साल भी होता है वो इसी टाइम में होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि आदिवासी कैसे निसर्ग के नियमों को लेकर चलते हैं। जो भी नेचर के रूल है वो सभी नॉन जुडिशियल है, और इन नॉन जुडिशियल नियमों को, यानी इन नेचर के नियमों को जो आदमी फॉलो करता है वो हुआ नॉन जुडिशियल। तो फिर इस नेचर के नियमों को कौन फॉलो करता है, कौन था जो अभी भी इस नेचर के बारे में सोचता है, जानता है, नेचर के साथ चलता है। इसीलिए जैसे कि आप जानते हो आदिवासियों का नृत्य क्या होता है, डिस्को डांस नहीं होता। आदिवासियों का जो नृत्य होता है वो बिल्कुल आपके जैसे काल सम बोलते हो ना संगीत में, वैसा ही आदिवासी का नृत्य होता है। फिर हम सोचते हैं कि आदिवासी का नृत्य ऐसा क्यों होता है, तो फिर आपको मालूम है आदिवासी का जो डांस है, वो जो नृत्य है, वो भंवरे के गुंजन से आया है। भंवरा क्या करता है, अगर बहुत सारे फूल उसको दिखे तो वो रू रू करके एक ही फूल के ऊपर बैठ के पूरा फूल को निचड़ नहीं लेता। वो एक घुट यहाँ का पीता है, एक घुट दूसरे फूल का पीता है, और पहले फूल से वो उड़ा, दूसरे फूल पे गया, तीसरे फूल पे गया, तो वो सीधा फिर पहले फूल पे आएगा। ये डांस जो नृत्य है ना, ये ऐसी कल्पना से बाहर आया हुआ नृत्य है। पांडिपारी कुपार लिंगो ने इसका रिसर्च किया है और इस डांस को तालबद्ध और सुरबद्ध किया है। और हम जानते हैं कि ये भंवरे के गुंजन से, जैसे भंवरा एक फूल पे दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर से पहले फूल पे आता है, वैसा ही आदिवासियों की जो नृत्य कला है वैसी ही होती है। यानी आप क्या समझोगे कि आदिवासी पूरी तरह नेचर के नियमों को फॉलो करता है। उसको एक तो मालूम है कि इंसान अगर जन्म लेता है ये अगर खुशी की बात है, तो मरना भी एक खुशी की ही बात है। इसलिए आदिवासी संस्कृति जो होती है वो नेचर के नियमों के साथ होती है, ना कि विरुद्ध। तो दोस्तों हम बात करते हैं नॉन जुडिशियल की। फिर दो बातें हुई जो आपको समझाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब गांधी इनविन पैक्ट हुआ तब यहाँ पे दो बातें हुई, ऐसा भी कह सकते थे कि आदिवासी और गैर आदिवासी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदिवासी और गैर आदिवासी शब्द को ना बांटते हुए यहाँ पे जुडिशियल और नॉन जुडिशियल पे बातें की गई। वो यही है कि जो भी निसर्ग के नियमों को फॉलो करेगा, जो समुदाय फॉलो करेगा, जो इंसान फॉलो करेगा वो नॉन जुडिशियल है, और जो नहीं करेगा, जो मानव निर्मित संसाधनों पे डिपेंड रहेगा वो जुडिशियल है। तो फिर आपको क्या समझ में आया। तो दोस्तों इन दोनों भी शब्दों में आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है, क्योंकि इन दो शब्दों पे जो पुना पैक्ट हुआ है, सॉरी गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, उस पैक्ट के बेसिक पर जो भारत देश ऐसी भारत सरकार कुटुंब जो कह रहे हैं, लैंड ऑफ रेवेन्यू, ट्रांसफर ऑफ पावर, जो एग्रीमेंट हुए हैं, वो एग्रीमेंट को लेकर ही वो लोग यहाँ पे करते हैं। फिर हम जो लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो हम नॉन जुडिशियल, जुडिशियल ऐसे शब्दों को समझ नहीं पाते और हम कहते हैं कि इनका जो हुआ है वो अलग है और हमारा जो रास्ता है वो अलग है, फिर हम उनको सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों इस भारत सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए और सभी आदिवासियों को एक जगह आना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आदिवासियों को न्याय मिलता है तो इसी तरीके से और इसी रास्ते से मिलेगा, अन्यथा हम पट्टी बांधे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज जुडिशियल और नॉन जुडिशियल इस दोनों शब्दों का अर्थ आपको अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।